इसराइल के लोग भले ही प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन अब यह जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, या यूं कहिए कि उस मोड़ के बेहद करीब है, क्योंकि इसराइल अब किसी भी वक्त गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, या यूं कहिए कि हल्के फुल्के ऑपरेशन शुरू भी कर दिए हैं। अब आपको युद्ध से जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं। आज नवा दिन है और नवे दिन तक आते आते युद्ध में क्या अहम बातें हुई हैं वो जानिए जरा। इसराइल और हमास के बीच आज जंग का नवा दिन है, जो सबसे बड़ी बात है। 9 दिन तक ये युद्ध खिंच चुका है। इसराइली सेना गाजा में बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इसराइल की तरफ से गाजा पर कभी भी जमीनी हमला हो सकता है। हवाई और समुद्र में भी हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर अटैक की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर रखा। IDF यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स के कुछ जवान तो गाजा पट्टी में दाखिल भी हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई। इधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों से मिलने के लिए बॉर्डर पहुंच गए, उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने गाजा बॉर्डर पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया कि आप जंग में डटे रहिए, पूरी सरकार आपके साथ। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए वो और उनकी पूरी फोर्स तैयार, यानी कि युद्ध के अगले चरण में जाने की बात भी बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं, और जानकार भी मानते हैं कि ये जो अगला चरण होगा ये बहुत घातक होगा हमास के लिए।